Hello students, I was telling you about Fleming's left hand rule for direction of force in any current carrying wire. तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर और फोर फिंगर एंड थंब को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएं, मतलब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएं, तो जो मिडिल फिंगर है हमारी वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करेगा किसी भी वायर में, जो फोर फिंगर है हमारी जिसको पहली फिंगर बोलते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, और थंब है जो हमारा, थंब हमारा वायर पर कितना फोर्स, वायर पर सॉरी किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको शो करेगा. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, एंड थंब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उसको शो करेगा. जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जा रहा है बोर्ड में अंदर की तरफ, यूं करके मेरी इस फिंगर की डायरेक्शन में बोर्ड में अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम ये क्रॉस साइन दिखाएंगे, और बाहर की तरफ यूं निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो ये डॉट साइन दिखाएंगे. अब ये क्रॉस साइन लगाया है मैंने, इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड में अंदर की तरफ जा रहा है. ठीक है, करंट की डायरेक्शन देखो, ये एरो देख रहे हो, ये वायर है एक, इस वायर में करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है. ठीक है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है. अब मैं इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करता हूँ. देखिए, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करती है, तो मैंने ये ऊपर कर दी मिडिल फिंगर वायर की डायरेक्शन में. ये देखो, पहले मैंने मिडिल फिंगर वायर की डायरेक्शन में ये शो कर दी. ठीक है, अब ये पहली फिंगर फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी, फील्ड कहाँ है, बोर्ड में अंदर की तरफ. मैंने ये फील्ड की डायरेक्शन यूं कर दी. ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन मैंने इस तरह कर दी, देख रहे हैं ना, मिडिल फिंगर. ठीक है, ये देखो, दिख रहा है मिडिल फिंगर, तीनों फिंगर क्लियर दिख रही हैं. ये देखो, ऊपर की डायरेक्शन में हो गई है मिडिल फिंगर. ठीक है, बोर्ड में अंदर की डायरेक्शन में हो गई है मैग्नेटिक फील्ड. तो ये देखिए, फोर्स इस साइड लगेगा. ठीक है, फोर्स इस साइड लग रहा है इसमें, मतलब वायर पर फोर्स इस साइड लगेगा, मतलब ये जो वायर है मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, तो वायर में फोर्स इस साइड लगेगा तो वायर इस साइड जाएगा. ये देखो, मैंने डॉट 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 से दिखाया, मैं इस वायर को नाम दे देता हूँ. सपोज ये वायर है ए बी, तो वायर बी ए डैश पोजीशन में चला जाएगा. कहने का मतलब ये है वायर इस साइड जाएगा, इस साइड. ठीक है, क्योंकि फोर्स इस साइड लग रहा है तो इसी साइड खींचेगा. इस चीज का यूज हम किसी करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगता है, इस चीज का यूज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल मोटर में करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में करेंगे. इलेक्ट्रिक मोटर में भी क्या होता है, एक हम रेक्टेंगुलर कॉयल बना लेते हैं, उस पर फोर्स लगता है. ठीक है, और वो फोर्स उस कॉयल को रोटेट करता है. कैसे करता है, मैं इसको आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ. तो आप पहले ये समझ लीजिए, और इसका डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर इस वायर का आपको फोर्स निकालना है. सपोज करंट डाउनवर्ड होगी तो फोर्स कैसे लगेगा, और फील्ड अंदर ही है करंट डाउनवर्ड है, तो ये आपको मुझे निकाल के दिखाना है. तीसरी कंडीशन, करंट ऊपर ही है लेकिन फील्ड बाहर की साइड है, मतलब ये डॉट साइन है. ठीक है, और उसके बाद चौथी कंडीशन में आप करंट को नीचे कर देंगे और फील्ड आउटसाइड होगा, मतलब आउटवर्ड होगा बोर्ड से. ये चारों कंडीशन में निकाल के दिखाना है. ठीक है, अब मैं अपना आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, दैट इज
इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, होल्ड वन सेकेंड, मैं इसको अरेंज कर दूँ।